आज हम वेजिटेबल अचार बनाएंगे जिसमें हम मटर, टिंडली, गाजर और हरी मिर्च डालेंगे। ये इंस्टेंट अचार है, ये एकदम क्विक बनके तैयार हो जाएगा। अचार बनाने के लिए हम सबसे पहले अचार का मसाला बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून राई की दाल ली है, 1 टेबलस्पून मेथी दाने की दाल है, 1 TSP हींग है, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, आधा टेबलस्पून नमक है। इसके लिए हमें इतने मसालों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेजिटेबल में 2 गाजर लिए हैं, मटर है, इंडली है और हरी मिर्च है। इसको हमें अच्छे से धो लेना है। धो के हम इसको किचन टॉवल में फैला के रख के इसको अच्छे से पोंछ लेंगे। इसके बाद हमें टिंडली को कट कर लेना है। मैं आपको टिंडली को पास से भी बताती हूँ। हमें टिंडली को छोटा और इतना पतला लेना है। इसको हम गोल गोल कट कर लेंगे। टिंडली को ज्यादा मोटा नहीं लेना है, नहीं तो अचार अच्छा नहीं लगेगा। इसको ऐसे गोल गोल कट करके हम रख लेंगे। अचार के लिए मैंने टिंडली 12 से 14 पीस लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्च है और 2 गाजर है, आधा कप मैंने मटर को छील के रख लिया है। अब गाजर को भी हम छील लेंगे, उसके बाद हम इसको टुकड़ों में कट करेंगे। गाजर को ऐसे बीच से कट करके हमें उसका सफेद पार्ट या वाइट पार्ट निकाल देना है। ऐसे हम सारे पार्ट वाइट निकाल के गाजर को रख लेंगे, इसको हम छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। वेजिटेबल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको हमें इस साइज में कट कर लेना है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम हरी मिर्च को भी कट कर लेंगे। हरी मिर्च को भी हम गोल गोल कट करेंगे। हम बीच में से मिर्ची का ये बीज वाला पार्ट निकाल देंगे, ऐसे घुमाते हुए रोल करेंगे तो ये अच्छे से पूरा निकल जाएगा। यदि आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसको ना भी निकालें। इसको हमें ऐसे गोल गोल कट कर लेना है। सभी चीजों को मैंने कट करके रख लिया है, मटर के दानों को भी छील के रख लिया है। अब हम मसाले के लिए सबसे पहले एक पैन लेकर हम राई की दाल को अच्छे से सेक लेंगे या भून लेंगे। इसको हमें स्लो गैस पर ही भून लेना है। इसको भून के हम अचार का मसाला बनाएंगे, तो वो अचार का मसाला हम आराम से उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। दाल में से मॉइस्चर पूरा अच्छे से निकल जाए वैसे हमें इसे भून लेना है। ये दाल हमारी अच्छे से भून गई है। अब इसको हम प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा कर लेंगे। इसी पैन में हम मेथी दाने की दाल को भी डाल के अच्छे से भून लेंगे। दाल को भी हमें सेम स्लो गैस पर ही भूनना है। यदि इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर होगा तो वो अच्छे से भून के निकल जाएगा। दाल को सेक के अचार मसाला बनाते हैं तो वो मसाला भी अच्छा बनता है। ये अच्छे से दाल भुन चुकी है तो अब इसको हम राई की दाल के साथ ही मिक्स कर देंगे और इसको हमें एकदम ठंडा कर लेना है। दाल ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसको मिक्सर जार में डाल के पल्स मोड पे 1 से 2 बार ही हम पल्स करेंगे या उसको ग्राइंड करेंगे। हमें उसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, आप देख सकते हैं हमें उसको इतना ही रखना है। अब एक पैन लेके उसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। हमने जो राई की दाल पीस के रखी थी उसको ऐसे फैला लेंगे। उसमें आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 TSP हम हींग डालेंगे। ऐसे हम सेंटर में डाल के ऊपर से गर्म तेल डाल देंगे। के बाद हम ढक्कन से ढक के छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं ये हींग अच्छे से उसके साथ मिक्स हो चुकी है ऑयल के साथ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे।
ये मैंने काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इसको हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। सब मसाले मिक्स करके इस दाल को या अचार के मसाले को मैंने एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ढककर। आप देख सकते हैं ये दाल अच्छे से फूल गई है। अचार मसाले को आप एक दिन पहले बना के ऐसे स्टोर कर लीजिए, इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे तो ये मसाला हमारा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा, आप देख सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम 100 ml ऑयल डालेंगे। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर नॉर्मल ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कटी हुई टिंडली डालेंगे, मटर डालेंगे, उसके बाद हम गाजर डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। ये इंस्टेंट अचार है, आप मसाला अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए। यदि आपको इसको ज़्यादा लंबा स्टोर करना है तो इस स्टेज पे आप 1/4 कप विनेगर ऐड कर दीजिए, वो आपका अच्छे से अचार स्टोर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। यदि आप इसको विनेगर के बिना स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस अचार को फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं अचार हमारा बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। इसको हम 5 से 6 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। इसके बाद हम ग्लास जार में या कांच की बोतल में, अच्छे से कांच की बोतल को साफ करके हम इसमें भर देंगे। आप देख सकते हैं ऑयल, मसाला और सब्जियां हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसको हम ऐसे स्टोर कर लेंगे। ये अचार का मसाला बहुत ही अच्छा बनता है और अचार भी बहुत अच्छा बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर से घर पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।